रक्षक, अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अध्यक्षा जिला विकास परिषद पूजा ठाकुर किश्तवाड़ अपने देश के तमाम लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस पर इनकी अमीर गहराइयों से शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे देश के लोगों ने भारत के संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को दिया। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान सुचारू रूप से लागू हुआ। हमारा संविधान न सिर्फ हमारे देश की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था की बुलंदियां संरचना को निर्धारित करता है, ये हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का उनकी जिम्मेदारियों का सीमांकन करता है और एक दूसरे के साथ और लोगों के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करता है। भारत का संविधान वासुदेव कुटुंबकम की भावना को परिलक्षित करता है। ये विश्व में संभवतः एक ऐसा संविधान है जो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण और सम्मान प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत में रहने वाले प्रत्येक निवासी को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, पर इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम अपने पद को, अपने धर्म को देश से ऊपर रखें। ऐसा हमारे संविधान संस्थापकों ने भी कभी नहीं सोचा था, परंतु कुछ ऐसे तौर स्वार्थी लोग जाति धर्म पद के आधार पर शत्रु देशों की मदद से देश की अखंडता को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमें इन विरोधी ताकतों से डटकर मुकाबला करना है और इनके नापाक इरादों को कभी भी कामयाब होने नहीं देना है। ना ही हमें जातीय, संप्रदाय, भाषीय, प्रांतीय मतभेद को देश की उन्नति और प्रगति में बाधा बनने देना है। हमारे जिले में हो रहे विकास कार्यों से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत कुल 58,042 संविकार्य कामों में 41,453 काम शुरू किए गए हैं, जिसमें 32,210 काम अभी तक पूरे किए गए हैं, बाकी काम भी पूर्ण गति से चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिले में 5 प्रोजेक्ट पर काम निर्माणधीन है। इसमें मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल, एडिशनल 100 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग किश्तवाड़, एससी होस्टल बिल्डिंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़, फूड सस्पेंशन ब्रिज अठोली पाडर शामिल हैं। ये सभी प्रोजेक्ट जून 2023 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे जिले में 2001 सेंसस के आधार पर 125 हैबिटेशंस ऐसी हैं जहां जनसंख्या 250 से अधिक है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन हैबिटेंट्स को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। अभी तक 99 हैबिटेंट्स को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है और बाकी 26 हैबिटेशंस में रोड कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम पूर्ण गति से चल रहा है। हमारे जिले में 1293 किलोमीटर रोड लेंथ की जो आवश्यकता है उसमें से 1029 किलोमीटर रोड लेंथ का काम पूरा किया जा चुका है, जो 80% उपलब्धि है। जल जीवन मिशन हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 48 स्कीमों की अलॉटमेंट्स का कार्य पूरा किया जा चुका है और बाकी 12 स्कीमों पर का अलॉटमेंट का कार्य भी अंतिम प्रक्रिया में है। स्वरोजगार योजनाओं में 93,077 स्वरोजगारियों को अलग अलग योजनाओं में भिन्न भिन्न रोजगार शुरू करने के लिए
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। कुल 79 करोड़ रुपए का लोन अमाउंट आवंटित किया गया है और सरकारी स्वरोजगार स्कीमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए TIC किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर किश्तवाड़, KVIB ने लीड बैंक ऑफिसर और बैंक अथॉरिटीज की सहायता से कुल 297 अवेयरनेस कैंप लगाए। मनरेगा स्कीम के तहत जिले में कुल 36,090 कामों में से 29,860 काम पूरे कर लिए गए हैं। 75 अमृत सरोवरों का निर्माण भी पूरा किया गया है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में 5,045 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि आवास प्लस में कुल 159 कार्य घर निर्मित किए गए हैं। 14 FC अवार्ड में कुल 2,498 कामों में से 2,266 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि बाकी 231 कार्य पर भी काम चल रहा है। वहीं बैक टू विलेज थर्ड फेज में कुल 456 कामों में 362 काम पूरे कर लिए गए हैं। बैक टू विलेज के तहत हर महीने की पहली सोमवार को विजिटिंग ऑफिसर पंचायत की विजिट करते हैं और चल रहे कामों का जायजा लेते हैं। वहीं माय टाउन माय प्राइड का अभियान भी हमारे टाउन में पूरे जोशों खरोश से मनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मिड डे मील स्कीम में कुल 784 स्कूल्स में तकरीबन 27,570 विद्यार्थियों को मिड डे मील दिया जाता है। वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के कुशल नेतृत्व में जिले में समग्र शिक्षा के अभियान के तहत 3 से 8 कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में 100 से भी अधिक फी ट्यूशन्स विंटर कैंप्स लगाए गए, जिसका लाभ गरीब परिवारों के बच्चे भी उठा रहे हैं। वहीं PMFP के तहत करीब 2,500 विद्यार्थियों ने 9th और 10th क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जो कि विंटर ट्यूशन्स का लाभ उठा रहे हैं। करीब 7,000 जिले के विद्यार्थी बायजूस क्लासेस का लाभ ले रहे हैं, जिसमें मुफ्त स्टडी मटेरियल भी शामिल है। निश्चय ही शिक्षा की दिशा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ा कदम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिले के बच्चे बच्चियाँ इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे और आने वाले कल में जिले का नाम रोशन करेंगे। बैक टू स्कूल कैंपेन तलाश के तहत जो ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट बच्चे SC कम्युनिटी से है उन्हें तलाशा जा रहा है और उन्हें दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाया जाएगा। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में लाइब्रेरी का काम पूरा हो चुका है। किश्तवाड़ के बच्चे इससे अब लाभान्वित होंगे। वही राजस्व विभाग द्वारा कुल 54,283 लैंड पासबुक भी बांटी जा चुकी हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,09,149 टारगेटेड बेनिफिशरीज में से 15,05,320 बेनिफिशरीज को रजिस्टर किया गया है। अब आयुष्मान कार्ड मिलने की सुविधा CSE सेंटर्स के साथ साथ फेयर प्राइस शॉप्स अथवा राशन डिपो में भी उपलब्ध कराई गई है। मेरी सभी लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज से अपील है कि वो अपने नजदीकी CSE सेंटर या फेयर शॉप में रजिस्ट्रेशन करवाए और स्कीम का लाभ उठाएं। साथ में जो केंद्र सरकार ने आधार अपडेशन की एडवाइजरी निकाली है, आप सभी से अपील है कि आप अपने आधार कार्ड अपडेट कराए ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। भूमि पोषण अभियान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से कुल 3,210 लाभार्थियों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। 19,603 लाभार्थियों को प्राइम मिनिस्टर किसान व EKYC स्कीम में लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO ने हमारे जिले में पहली बार केसर की बेहतर खेती के लिए किश्तवाड़ रेफरल फार्मर्स प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड FPO में रजिस्टर हुई। वहीं
ब्लॉक मड़वा राजमा की पैदावार और मार्केटिंग के लिए हिमालयन राजमा फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड FPO में रजिस्टर हुए हैं। समाज कल्याण विभाग में सभी एवं पुराने लाभार्थियों को जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं उन्हें जन सुगम पोर्टल में रजिस्टर किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत का अभियान भी पूरी तेजी से चल रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जिले को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में डी ड्रग एडिक्शन सेंटर भी बनाया गया है जहां वो यूथ जो ड्रग का शिकार है उनका इलाज चल रहा है। मेरा इस मंच से किश्तवाड़ की सभी जनता से विनम्र निवेदन है कि वो किश्तवाड़ को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें। साथ ही किश्तवाड़ में एनीमिया फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। हमारे किश्तवाड़ जिले को प्रकृति ने मनोहर की छटा प्रदान की है। चौगान की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर देवदार के पेड़, कल कल करता चिनाब, मैदानी इलाके, खूबसूरत वार्डन मड़वा, दर्शन छात्रों, मुगल मैदान, गोंदवा पार्टर के भिन्न भिन्न आकर्षक पर्यटन स्थल किश्तवाड़ जिले को पर्यटन का केंद्र बनाते हैं। जहां साल में 70 दूर गुलाबगढ़, सिंधन टॉप, जमलनाथ, देवी गोल, धजारपुर, ब्रह्मापीर, बरनाज, मरगन टॉप एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। वहीं त्रिसंध्या हुदमाता, सरफल माता, मचेल माता, शाह असदुद्दीन साहिब, शाही अरुद्दीन जियारत रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। इसी श्रृंखला में अर्थात टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में वार्डन फेस्टिवल आयोजित किया गया जहां बाहर प्रदेश से भी सैलानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं गुलाबगढ़ में राफ्टिंग स्पोर्ट्स और मुगल मैदान में स्विमिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। किश्तवाड़ में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक आला स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट चौगान में आयोजित किया गया जिसमें बाहर की टीमों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गुलाबगढ़ पार्डर में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया है जहां डे नाइट मैचेस भी खेले जा सकते हैं। वहीं 136 पंचायतों में 136 यूथ क्लब बनाए गए हैं और इन 136 पंचायतों को क्रिकेट किट्स भी बांटी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल में हम अपनी जमीन की विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वहीं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से जिले में मुख्तलिफ जगहों पर सोशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहां पर वृद्ध पुरुषों महिलाओं को जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं उन्हें घर के दरवाजे पर ए सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अभी तक 12,000 एज सर्टिफिकेट दी जा चुकी हैं। वहीं सभी 136 पंचायतों में सीनियर सिटीजन क्लब बनाए गए हैं। सभी क्लब्स को कैरम बोर्ड और चेस दिए गए हैं। स्वच्छ ग्राम अभियान के तहत सभी पंचायतों में सैनिटेशन वर्कर्स लगाए गए हैं जिनको हर गांव को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है। आप सभी से मेरी अपील है कि अपने देश और अपने जिले को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें। जिले को टीवी फ्री जिला बनाने का लक्ष्य भी है, इसमें भी आपका सहयोग हमें चाहिए। किश्तवाड़ प्रतिभा का धनी है जहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रचुर मात्रा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, मॉडलिंग या फैशन डिजाइनिंग की बात हो, हर जगह हमारे किश्तवाड़ के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है। हाल ही में किश्तवाड़ जिला के 5 बच्चों ने शिवांचल शर्मा शक्तिनगर से, शिवालिक शर्मा पुछाल से, नीतीश शर्मा सरथल से, अंकित आर्यन हिडियाल से, भूषण कुमार चिंताला नासनी से, इन बच्चों ने जेके कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2021 पास करके जिले का नाम रोशन किया। इन सभी बच्चों को और इनके परिजनों को मैं मुबारकबाद देती हूँ और साथ ही मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस मत से सभी बच्चों बच्चियों से अपील करती हूँ कि कड़ी मेहनत करें और जिले का नाम रोशन करें। मैं इस मंच से किश्तवाड़ की होनहार बच्ची शीला देवी का भी नाम लेना चाहूंगी
जो जम्मू कश्मीर की पहली आमला सीनियर आर्चर है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रही है। इस बच्ची के साहस और जज्बे को मैं सैल्यूट करती हूँ। पिछले दिनों रजौरी जिले के डांगरी गांव में जो नरसंहार हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। साथ ही सभी शोकालुप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ। किश्तवाड़ की शांतिप्रिय जनता ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि हमारे किश्तवाड़ में एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है और इसका उदाहरण उन्होंने उस दिन भी दिया जिस दिन हम लोगों ने किश्तवाड़ बंद की कॉल दी थी। आज हम राष्ट्रवाद मना रहे हैं। ये मात्र कोई सरकारी औपचारिकता अथवा एक कार्यक्रम नहीं है। ये पर्व एक पुनीत दिन समस्त देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का दिन है। आइए आज के इस पावन दिन पर हम सभी महापुरुषों का, महान नेताओं का, उन वीर पुरुषों का, वीरांगनाओं का, क्रांतिकारियों का स्मरण करें, उन्हें शत शत नमन करें जिनका योगदान भारत को आजाद कराने में रहा और भारत को संविधान और देश को नया प्रारूप देने में रहा। आज के दिन हम मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम देश के नव निर्माण में अपना सहयोग और योगदान देंगे और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत।